Hello all of you, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and in today's video I'm going to tell you that how you all need to prepare for your CBSE board exam of economics. So first of all, if I talk about then commerce students have just given their exam on 5th of March, that is accountancy exam, and humanities students have just given their exam today, that is of political science. So after that, what strategy they need to follow, because it's very important that how you are preparing for your exam. So in today's video we are going to discuss that how you all can prepare for your board exam. So अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स जो हैं दोनों ही इस वीडियो को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं. कॉमर्स स्टूडेंट्स इसको एक दिन पीछे ले जाएं और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं. और अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं. So, सबसे पहले हमारे पास है 6th मार्च. अब जैसा कि मैं ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो दे हैव जस्ट गिवन देयर एग्जाम, सो इट्स गुड फॉर देम कि वो छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की वो यहां पर दो यूनिट्स आज में निपटा लें, क्योंकि ये दो यूनिट्स जो हैं वो बहुत छोटी होने वाली हैं. ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वी आर हैविंग लाइक इन टोटल यूनिट्स की बात करूं तो हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स में हमारे पास हैं, जिसमें से 5 यूनिट्स हैं आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की और 3 यूनिट्स हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहां पर मनी एंड बैंकिंग को आप यहां पर आज में फिनिश कर दीजिए, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग में आपको भी पता है ज्यादा करने लायक कुछ है नहीं और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं. इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है. तो मनी एंड बैंकिंग करने के बाद इसके साथ साथ आप एक और चैप्टर यहां पर कर सकते हैं, बीओपी एंड फॉरेक्स. देखिए आप चाहें तो फॉरेक्स ना भी करें तो इट्स ओके, बट बीओपी को आप जो है ये बहुत इजी यूनिट्स हैं, आप जो है आज एग्जाम देके आए हैं तो समवेयर यू ऑल्सो वुड लाइक टू रिलैक्स, बट मैं यही कहूंगा कि इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे तो आपके ये दो यूनिट्स जो बहुत इजी हैं वो आप कवर कर लेंगे, एंड समवेयर आउट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ मैक्रो आपकी दो यूनिट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी. इसके बाद अगर हम बात करें तो 7th मार्च यानी कि पूरा दिन आपके पास रहेगा. कॉमर्स के स्टूडेंट इसके साथ कोई भी अपना एक एक्स्ट्रा यूनिट जो उनको इजी लगती हो या फिर जो डिफिकल्ट लगती हो बहुत ज्यादा वो इसके साथ इंक्लूड करके कंटिन्यू कर सकते हैं. 7th मार्च जो है इसमें मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है यहां पर मैक्रो का नेशनल इनकम वाली जो यूनिट है आप वो कंप्लीट कर लीजिए. अब नेशनल इनकम की यूनिट जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट 1 है, आप वो कंप्लीट कर लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. और उसके साथ साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं यहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो अच्छा, ये जो यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपकी है यूनिट नंबर 3. तो आप देखेंगे कि आप इन दो यूनिट्स को कर लेंगे तो काफी जो है यहां पर आपको जो है चीजें कवर हो जाएंगी. इसके साथ साथ अगर फिजिबल है आपके लिए तो मैं ये कहूंगा और मेरे ख्याल से काफी आसान होगा ये 3 यूनिट्स करना. इसके साथ साथ आप बजट भी आज में कर लें. तो यूनिट नंबर 4 भी आप जो है आज मतलब 7th मार्च को अगर आप 3 यूनिट्स कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका जो मैक्रो का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, बशर्ते आपका फॉरेक्स यहां पर कंप्लीट है. देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले क्योंकि यहां पर आपका मैक्रो का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा और टाइम भी आप दे सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स ये सारी चीजें वेरी करती हैं. इट माइट बी पॉसिबल कि मेरी स्ट्रेटेजी इसके लिए कुछ और है और आपकी स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट मैं आपसे ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप मैक्रो कंप्लीट कीजिए सो दैट आपके पास आईईडी को टाइम ज्यादा होगा देने के लिए, क्योंकि आईईडी इस साल पहली बार 12th में आ रही है और इट्स बेटर टू यू नो गिव मोर टाइम और अलॉट मोर टाइम टू आईईडी. इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 8th मार्च को आप ये सारी चीजें अगर आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो एक सैंपल पेपर आप 3 घंटे का बैठ के जरूर सॉल्व कीजिए. 3 घंटे नहीं, यहां पर आप सिर्फ मैक्रो का पेपर सॉल्व कीजिए, सिर्फ एक मैक्रो का पेपर यहां पर आप सॉल्व कीजिए
और आप ये पता लगा पाएंगे दैट वेयर यू एक्चुअली स्टैंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जहां पर आपके जो बेसिकली द पॉइंट्स वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड, तो जो भी लैग्स हैं आपके यहां पर वो सारे के सारे आपको पकड़ में आएंगे, आप उसके ऊपर फिर से काम कर सकते हैं। तो अभी अगर 1.5 घंटे आप यहां पर दे चुके हैं, इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि आप IED यहां से स्टार्ट कीजिए, और IED की जो यूनिट है यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 8, यानी कि पहली यूनिट IED की और लास्ट यूनिट जो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया चाइना पाकिस्तान है, इसके आके आपके टोटल जो है 4 चैप्टर्स आएंगे। आप ये कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका IED का सेक्शन भी एक यहां पर कवर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपने 8th of March को बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, गैप रखिए अपने स्टडीज के आवर्स में, सो दैट आप जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। आप यहाँ पे वैरायटी भी ला सकते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए आप IED का सेक्शन पढ़ पढ़ के काफी ज्यादा बोर हो चुके हैं, आप नेशनल इनकम के 2-4 क्वेश्चंस कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस भी यहां पर आप कर सकते हैं, जस्ट वैरायटी के लिए। बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आप वो सेक्शन यहां पर कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास जो है अब यूनिट जो रह गई है वो रह गई है बेसिकली यूनिट नंबर 7। मैं कहूंगा आपसे कि आप फिर से यहां पर ऑलमोस्ट जितना भी आपने प्रिपेयर किया है, अगेन ऑलमोस्ट 2 आवर्स का एक पेपर जिसके अंदर IED की यूनिट 6 और 7, ये 2 यूनिट के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, उनके जो सैंपल पेपर्स हैं, फिर से पेपर, एक पेपर आप यहां पर जरूर करें। अगर 2 कर सकते हैं तो आपकी मर्जी, अदरवाइज एक सैंपल पेपर आप यहां पर जरूर करें। ये बहुत इजी वाले सैंपल पेपर हो सकते हैं जो KV यानी कि केंद्रीय विद्यालय वगैरह के होंगे, क्योंकि ये बहुत बैलेंस पेपर आते हैं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की इनके ऊपर जरूरत नहीं होती है। एंड अगर मैं सही बात बताऊं तो कुछ इसी तरीके से मिलते जुलते पेपर भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर आप जैसे 2 पेपर सॉल्व कर लेते हैं या 1 पेपर सॉल्व कर लेते हैं 2-2 घंटे का, उसके बाद आपके पास पूरे टाइम में आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, एंड दैट इज IED की यूनिट नंबर 7, जिसके अंदर टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इस तरीके के चैप्टर्स आपको 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। देखने से लगता है कि ये चैप्टर्स मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे, लेकिन क्योंकि ये मिलते जुलते चैप्टर्स हैं तो मेरे ख्याल से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर IED और मैक्रो को फिनिश कर दिया है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो शुरू से पढ़ते रहे हैं, रिवाइज करते रहे हैं, और एंड टाइम तक जिन्होंने इकोनॉमिक्स को टाइम डिवोट किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10th of March को आपके जितने भी लूपोल्स हैं, जितने भी शॉर्टफॉल्स हैं जितने भी आपके, चाहे वो मैक्रो में है चाहे वो IED में है, अब आप उन पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मैं आपसे ये कहूंगा एक ही टाइप के क्वेश्चन ना करें, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करें। फॉर एग्जाम्पल, काफी बार रॉयल्टी गिवन नहीं होती है और काफी बार रॉयल्टी को अलग से शो किया जाता है, ऐसे केसेस में रॉयल्टी इंक्लूड होती ही होती है, तो ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन हो सकता है। JDCF को कई बार JDCF को डायरेक्टली ना देके उसके 4 आइटम्स गिवन होते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं बेसिकली, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो इन सबको मिला के JDCF आपका बनता है। तो या फिर आपको फीटा या फीफा की कैलकुलेशन दी जा सकती है, या फिर जो रिसेंटली पैटर्न आया है CBSE का, यानी कि पिछले साल का, जिसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस या फिर मिक्सड इनकम निकालनी थी, तो यू नीड टू डू सच वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। आपको पता होना चाहिए कि नेट इंपोर्ट अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो ऐड होगी या लेस होगी, नेगेटिव वैल्यू है तो वो ऐड होगी या लेस होगी, NFIA की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, NFIA की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो बेसिकली यू शुड बी फैमिलियर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो वो चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर आप जो भी अपने शॉर्टफॉल्स हैं, जो भी आपके लूपहोल्स हैं, जहां पर भी आप पीछे रह रहे हैं, उसको आप 4 घंटे 6 घंटे यहां पर दीजिए। और फिर से मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, दैट यू नीड टू सॉल्व 2 सैंपल पेपर्स, कंप्लीट सैंपल पेपर्स, 2 सैंपल पेपर आप यहां पर कीजिए। इसके बाद एक बहुत खास बात, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आपने
आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता, साइकोलॉजी का जो अभी इस साल का पेपर हुआ है एक भी एमसीक्यू नहीं था ओटीक्यू की, बाकी क्वालिटी वहां पे थी, बाकी वैरायटी वहां पे थी, नॉट क्वालिटी, लेकिन एमसीक्यू एक भी नहीं था। अगर आप देखते हैं हिस्ट्री का पेपर जो ह्यूमैनिटीज का था, जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, बुक में से एक एक लाइन में से क्वेश्चंस उठाए गए थे और यही चीज आज यानी 6 मार्च के पॉलिटिकल साइंस पेपर में भी देखी गई। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे जब 11 मार्च को आपको आईईडी के जितने भी बॉक्सेस दिए गए हैं, जो भी स्क्रीन लगा के बॉक्सेस दिए गए हैं आईईडी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। इनको करने से इनके अंदर बेसिकली कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि तमिलनाडु वुमेन एसोसिएशन तनवा का एक छोटा सा पार्ट आपको गिवन है, जैसे कि मसलिन इज अ काइंड ऑफ सिल्क क्लोथ, तो मसलिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये भी एक बॉक्स में गिवन है। एपिको मूवमेंट और चिपको मूवमेंट ये क्या है, आंध्र प्रदेश में जो इंसिडेंट हुआ था सिरसिला ट्रेजेडी व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग, तो ये छोटी छोटी चीजों से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन डिप्लीशन से रिलेट करता था, ये सारी चीजें कहां से कैसे रिलेट करती हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू करेंगे, दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। तो मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं आईईडी के बॉक्सेस, प्लस आप कुछ इसको रीडिंग टाइम दीजिए और छोटी छोटी चीजें इसमें से फाइंड आउट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईईडी के मैं अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर मैंने एमसीक्यूज यानी वन लाइनर्स जो हैं बेसिकली वो इंक्लूड किए हैं, और आप चाहें तो एक बेसिक नॉलेज के लिए आप वो सेक्शन देख सकते हैं। हर एक वीडियो में पहले लॉन्ग आंसर्स गिवन है, उसके बाद वन मार्क के क्वेश्चंस गिवन है, कुछ कुछ चैप्टर्स में क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी गिवन है, आप चाहें तो वो वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन भी उनका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके बाद आपको यहां पर एक पेपर, अगर अगेन मैं कहूंगा एक से दो पेपर अगर आप यहां पर कर सकते हैं तो एक से दो पेपर फिर से आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको चेक करवाइए अपने ट्यूटर से, अपने टीचर से, या फिर आप खुद चेक कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी मार्किंग स्कीम अवेलेबल है। इस दौरान ये जो पेपर्स हैं आप इसमें सीबीएसई के पेपर्स भी कर सकते हैं जो कि 10 ईयर्स, जैसा कि शिवदास या सतीशन ब्रदर्स करके आपके पास जो 10 ईयर्स होते हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कुछ सैंपल पेपर्स केवी के और दूसरे क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा जिससे कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं लास्ट 12 मार्च, इसमें आपको करनी है जितना भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन और एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर आपको फिर से प्रैक्टिस करने ही करने हैं। देखिए सैंपल पेपर्स में मैं बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं, द मेन थिंग इज दैट सीबीएसई में कुछ रटे रटाए रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत चेंज उसमें होता है, बाकी काफी सारी चेंजेस सेम होती हैं। तो अगर प्रीवियस 5 ईयर्स, प्रीवियस 3 ईयर्स आउटसाइड फॉरेन या फिर दिल्ली के जितने भी पेपर आप कर लेते हैं, दैट वुड बी अ बेनिफिट फॉर यू। आप जब एग्जाम में जाते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड सम सैंपल पेपर्स, सो आपको एक चीज एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, या इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से आपकी हेल्प करती है। और ये मेरा जो मैंने शेड्यूल बनाया है बताया है आप लोगों के लिए, आप चाहें तो इसमें कुछ भी चेंजेस करके भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका मैक्रो में टाइम लगता है, जिनको ज़्यादा आईडी उनका जल्दी हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा अपने स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका टाइम यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों में। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है, अगर हेल्प की है तो डेफिनेटली लाइक करना ना भूलें, एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिए, और मैं आपको मिल जाऊंगा मेरे सोशल हैंडल्स जो मनोज जांगिर क्लासेस के नाम से है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूं मैं आप लोगों के लिए, और मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं स्टूडेंट्स। सो आप दिल खोल के जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कॉमेंट्स हैं, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग मनोज जांगिर क्लासेस एंड ऑल द बेस्ट।